Okay, just be there. Hold it. Relax, relax. See the friend? इसका रीडिंग कम करो यार, इसका कम करो और उसको थोड़ा बढ़ा दो. क्या रीडिंग है? हेलो, दर्शन यू आर इन फ्रेम आउट. या कम अगेन, होल्ड इट. टेक द फोकस गाइस. या ओके, 1 2 3 गो. होल्ड इट, दैट्स नाइस. सिंधी जी, यू कैन क्लोज योर लिप्स. सर कम अगेन गाइस, फोकस. ओके, जस्ट बी देयर, दैट्स नाइस. सर लुक एट हर. संजी कम स्लाइटली फॉरवर्ड. Perfect, just be there. Okay. Okay, did go 1 2 3 go, take your position. Hold it. Smile. Yeah. And smile, sir. Yeah, that's nice. Yeah. That's nice. Close your lips. Come again. Do you want to look like this to me? Yeah, look away, it's good. Other way, to your left, to your left more. Sir, you can look at her. Have with a smile. We'll do one more round, come. Yeah, yeah, do that. Yeah, yeah, ready? Okay, 1 2 3, go. Yeah. One more in this. Then you look straight in that direction only. What is it? Yeah. So look at her and smile. Yeah, that's nice. Check the frame, guys. Samor ani. Bole bole. Punne. Height nahi, height hai. We want its height. Sasa madu. Sasa. Tu dekha. Arey dekha. And right hand thoda niche. Perfect. Just be there. Doctor cut na nahi. Zoom ke liye. Yeah. Human variation. Nice. Yeah. Nice expression. Sanjay, go slightly behind. Let the face. Aditya frame में दोपहर कर नहीं कर क्या? Perfect, yeah. Hold it, yeah. हाँ. Little closer. Hold it. Look.
camera here. Did you smile? That's nice. Look at him smiling. Yeah, perfect. When he smile, that's nice. Very nice. Don't you smile? Hi, do him. Okay, see the. I think it's important. To everyone, this is Ahana. This is Anand Mathur, my husband in the show. Yeah. Dil Samhal Ja Zara. Yes. Roll. Okay. Sanjay sir, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे after long time क्या वजह रही screen पे वापस आने वजह कोई इतनी कोई ख़ास नहीं थी. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने करिश्मा जो सीरियल किया था 2003-2004 में, उसके बाद आई थिंक जो टीवी वाले ऐसे समझ रहे थे कि ये फिल्में कर रहा है, ये फिल्म प्रोडक्शन कर रहा है, ये टीवी नहीं करना चाहता, पर ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी. और जो मुझे ऑफ़र्स मिल रहे थे टीवी के, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा रोल इतना अच्छा नहीं है या पूरा सेटअप इतना अच्छा नहीं है. फिर मैं अपने प्रोडक्शन में बिज़ी हो गया. और जब मुझे ये दिल संभल जा ज़रा जब ऑफ़र हुआ, तो जो पूरी टीम थी स्टार्टिंग विथ विक्रम भट्ट, हु इज़ दी क्रिएटिव हेड एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द शो, द प्रोड्यूसर्स ज्योति सागर जी, सिद्धार्थ सेन. एंड सिद्धार्थ के साथ मैंने करिश्मा में काम किया था एज एन एक्टर. ही शॉट एटलीस्ट 50 एपिसोड्स ऑफ दैट शो. तो मेरी एसोसिएशन उनके साथ काफ़ी सालों से थी, तो वो अच्छा लगा मुझे. और जो हमारा ऑन सेट डायरेक्टर है अभिजीत दास, जब मेरी उनके साथ मीटिंग हुई, तो मुझे लगा कि ये शो मुझे करना चाहिए, मेरा रोल बहुत अच्छा था. फिर तो मैंने वो शो के लिए हाँ कर दिया. फिर जब मैंने काम शुरू करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरी डिसीशन बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि फिर मैंने स्मृति जैसी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम करना शुरू किया. और निकी वालिया, देन आशिम गुलाटी, इन बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. तो वी हैव अ ग्रेट टीम. तो इसलिए ये जो शो आपने अभी खाली 40 सेकेंड्स का टीज़र देखा, जब पूरी जनता, आप लोग सब देखोगे ये शो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वर्ड बहुत कॉमन है, हर आदमी बोलता है कि हटके है, बट फॉर टेलीविजन इज़ डेफिनेटली ये एक प्रोग्रेसिव शो है. और डेफिनेटली वी हैव ट्राइड आर बेस्ट टू मेक इट लुक लिटिल बिगर देन व्हाट यू हैव सीन ऑन टेलीविजन बिफोर. मुझे एंड मोमेंट तक नहीं पता था कि अनंत माथुर का जो किरदार है वो संजय कपूर प्ले कर. अच्छा, वो नहीं पता था, वरना नहीं करती ऐसा बिल्कुल. एंड व्हेन आई सॉ हिम पहली बार ऑफिस में, सो द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड इज दैट ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग मैन एंड ही इज़ अ थरो जेंटलमैन. नाउ आई एम टेलिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको पहली बार इनको पता चल रहा है. सो एंड ऑब्वियसली जब आप एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करते हैं, और मोर इम्पोर्टेंट आर अच्छे इंसान के साथ काम करते हैं, तो आपका काम भी अच्छा होता है. सो इट्स माय ऑनर. ओके, तो फोटोशूट जो अभी चल रहा था, थोड़ा इस बारे में जानना चाहेंगे, ये किस लिए था फोटोशूट? तो मतलब कि किस लिए था फोटोशूट? तो जब शो एयर पे आ रहा होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है. आप पिक्चर्स मीडिया में देते हैं, ये जो शूट हैं, हम होप कर रहे हैं कि स्टार प्लस इसकी होर्डिंग्स भी लगाएगा और हमें मार्केट अच्छी तरह करेगा और ये शो को और ऊपर करेगा. तो आई गेस फोटो सेशन इसी के लिए हो रहा है. ऐसे हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम पूरा दिन बैठ के फोटो सेशन करें. हमने लाइफ में बड़ी तस्वीरें निकाली है, और आजकल तो सेल्फी का ज़माना, वैसे ही निकालते रहते हैं. प्रोमो हमने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और आपकी वाइफ और फैमिली से क्या रिएक्शन आ रहा है प्रोमो देखने? अनिल सर, बोली सर? नहीं, सब सबका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहा है. फैमिली का तो बोलते ना कि घर वालों को तो हर चीज़ आपकी अच्छी लगती है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि जो बाहर वालों का रिएक्शन है. और जो रिएक्शन मिला है, कल मैं लखनऊ में था, प्रेस मीट मैंने वहाँ की, और जैसे रिएक्शन मुझे मिला, मुझे ऑब्वियसली यू आर हैप्पी दैट योर फैमिली इज़ लविंग इट, बट व्हेन द आउटसाइडर्स टेल यू, इट मींस इवन मोर. सो फैंस से कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जब प्रोमो आउट हुआ, फैंस के क्या कमेंट आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि ये प्रोमो अभी आउट हुआ है, और मुझे लगता है कि इसका जो सही रिस्पॉन्स मिलेगा 23 अक्टूबर को 10:30 बजे स्टार प्लस पे, जब लोग शो देखेंगे. इस वक्त उन्होंने एक ट्रेलर देखा, उनको डेफिनेटली लगा है कि ये कुछ अलग चीज़ हो रही है, बहुत ही ग्लैमरस वे में शूट हुआ है, ट्रीटमेंट जो है. बट अभी तक उनको स्क्रिप्ट का नहीं पता, उनको नहीं पता कि कंटेंट क्या है. एक इंट्रीग रखी है हमने. और ये सब 23 तारीख अभी का एग्जैक्टली 10 दिन बाकी, 13 तारीख है, और 10 दिन के बाद दिवाली पहले मनाओ, फिर हमारा शो देखें. विच
which one is more easy for you to shoot in entertainment or Bollywood? Entertainment or Bollywood, दोनों एक ही चीज़ मतलब television or Bollywood? Easy कुछ नहीं होता ना difficult कुछ होता है yeah. जो अगर आप अपने काम से प्यार करते हो और आप मज़े लेते हो वो काम का तो आपको वो सब ईजी लगता है और बिना मेहनत के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे फिल्म हो या टी वी मेरे लिए कैमरा है आई हैव टू डू माई बेस्ट जॉब और इट डजेंट मैटर टू मी वेदर आई एम डूइंग अ टेलीविजन शो और डूइंग अ मूवी बॉलीवुड हम जब भी देखते हैं तो बॉलीवुड स्टार में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है अरे मैं थक गया बात करके अभी इनसे पूछो लास्ट सवाल है हाँ चलता रहता है उसी तरह टेलीविजन में भी बॉलीवुड स्टार आ गए हैं सब शाहरुख सलमान सबका अपना अपना कॉम्पिटिशन चालू हो गया और आपका शो आ रहा है रात में 10:30 बजे तो बिग बॉस का टाइमिंग है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है टी आर पी में कुछ देखिए क्या होता है जब आप अपना काम करते हो आपको अपना काम करना चाहिए डेफिनेटली मिस्टर सलमान खान इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टार इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द कंट्री एंड ही इज़ डूइंग बिग बॉस इट्स अ बिग कॉम्पिटिशन एंड बट यू हैव टू सी इट पॉजिटिवली आज अगर स्टार प्लस ने ये चैलेंज लिया है तो वो इतना कॉन्फिडेंट है इस शो का कि वो 10:30 बजे वो रेडी है ये करने के लिए इट इज़ लाइक ईटिंग फूड अगर आप एक इंडियन खाना मुगलाई बहुत अच्छा है इसका मतलब नहीं है कि आप बगल में दूसरा रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते अगर दोनों का खाना अच्छा होगा दोनों चलेंगे खाना नहीं अच्छा होगा तो दोनों नहीं चलेंगे तो बट मुझे इस बात की खुशी है कि इन स्पाइट ऑफ सच अ बिग शो कमिंग एंड दे आर पुटिंग आर शो तो द स्टार इज प्लस इज शोइंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन दिस शो या दैट स्पीक्स अ लॉट सो व्हाट द प्लानिंग फॉर दिवाली क्या प्लानिंग रहेगी दिवाली अभी तक तो ऐसे लग रहा है 17-18 तारीख तक हम प्रमोशन ही करेंगे दिवाली के दिन जो यूजुअल होता है अपने मदर के घर जाएंगे पूरी फैमिली वहाँ मिलेगी उनके साथ ज़बरदस्त खाना खाएंगे पूजा करेंगे पहले अपने घर करेंगे फिर मदर के साथ करेंगे तो हमारे लिए दिवाली वही है अपने दिवाली की सभी देखने वालों को संजय कपूर और स्मृति कारा की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं ये भी करेंगी विश आपको पर मैंने बोला अभी बगल में है तो इनके तरफ से भी मैं बोल दूँ आप मेरे लिए एनर्जी सेव कर रहे हैं ना मेरी एनर्जी सेव कर अच्छा अभी इनकी बारी विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली एंड प्लीज़ हमारा शो देखिएगा दिल संभल जा जरा स्टार प्लस पे 23 अक्टूबर 10:30 बजे थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू